नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल फिनोइज पे। आज इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग और एक अच्छे वाले स्टॉक के बारे में। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने अभी तक जितने भी स्टॉक का टारगेट प्राइस दिया है, ऑलमोस्ट सबका टारगेट प्राइस कंप्लीट हुआ है। तो हम लोग ऐसे ही कोशिश करते हैं आपके पास जो अच्छे वाले स्टॉक के बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लाने के लिए। और जब भी हम लोगों आपको कोई भी स्टॉक के बारे में टारगेट प्राइस देते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं वो टारगेट प्राइस हिट हो जाए। तो आप भी सपोर्ट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक एंड शेयर करके। और रिक्वेस्ट करेंगे, जब भी आप कोई स्टॉक खरीदते हैं, खुद से रिसर्च जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी हम लोग टारगेट प्राइस या स्टॉप लॉस देते हैं कोई भी स्टॉक के बारे में, सिर्फ एक हम लोग का ओवरव्यू रहता है। जब भी आप स्टॉक खरीदते हैं, खुद से रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, अभी यहाँ पे स्टॉक के बारे में जो बात करने वाले हैं, PNB स्टॉक। दो स्टॉक के बारे में बात करेंगे, PNB एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। दोनों स्टॉक में जो है शानदार एक हम लोग को रिटर्न देखने को मिल रहा है। उसी के चलते हम लोगों ने सोचा कि स्टॉक के ऊपर थोड़ा देख लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है। PNB स्टॉक में हम लोग यहाँ पे देखते हैं 6 महीने से क्या चल रहा है। तो 6 महीने से देखेंगे तो स्टॉक में जो है गिरावट आया है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस 6 महीने पहले 31.35 के आसपास पहुँच गया था। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखते हैं, स्टॉक जो है 26 के आसपास पहुँचा। फिर से स्टॉक में जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो ज़बरदस्त तेज़ी दिया था, मतलब 6 महीने के अंदर अगर हम लोग देखते हैं स्टॉक का प्राइस 31.35 के आसपास पहुँचने के बाद यहाँ पे देखते तो गिरावट के बाद फिर से यहाँ पे जो 37.45 के पास पहुँच गया था, मतलब स्टॉक ने जो है अच्छा रिटर्न दिया है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो 26 के आसपास स्टॉक चल रहा था और उस गिरावट के बाद स्टॉक जो है 37 के पास पहुंच गया था। उसके बाद देखते हैं तो स्टॉक में जो आहिस्ता आहिस्ते यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं गिरावट देखने को मिला है। तो चलिए, अभी यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं स्टॉक में जो है कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिला है। 1 महीने के अगर बात करते तो 1 महीना पहले स्टॉक का प्राइस 33.70 के आसपास चल रहा था। तो 1 महीने में भी देखेंगे तो स्टॉक ने जो है एक हम लोग बोल सकते हैं कि रिटर्न नहीं दिया है अच्छा खासा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो 33.70 के पास स्टॉक चल रहा था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है फिर से यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड दिखाया 28.05, उसके बाद स्टॉक में जो थोड़ा करके एक तेज़ी आया था। यहाँ पे 5 डेज के इन्फॉर्मेशन निकालते हैं तो 5 डेज के ग्राफ में जो है हम लोग को एक अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, जहाँ पे देखने को मिल रहा है स्टॉक में जो है आहिस्ते आहिस्ते मजबूती बनता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आज का इन्फॉर्मेशन, माफ़ कीजिए, एक दिन पहले का हम लोग को इन्फॉर्मेशन देखते हैं PNB बैंक के बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक में जो है ज़बरदस्त एक हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं मजबूती बनता हुआ दिख रहा है। तो अभी ग्राफ के बेसिस में बात करेंगे तो लग रहा है कि स्टॉक में और तेज़ी आ सकता है। यहाँ पे 1 से 2 रुपया बहुत जल्दी एक जो है हम लोग बोल सकते हैं कि स्टॉक जो है 29 से लेकर 30 रुपीज़ के आसपास बहुत जल्दी पहुँच सकता है। लेकिन यहाँ पे बताना चाहेंगे दोस्तों, हम लोगों ने जब ये स्टॉक के बारे में रिसर्च किया तो ज़्यादातर लोग जो है ये स्टॉक को लेके फिलहाल जो उतना इंटरेस्ट नहीं है, मतलब बुलिश नहीं बोल सकते हम लोग ज़्यादातर लोग। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो हो सकता है कि स्टॉक में एक जो है डाउन ट्रेंड भी देखने को मिले। तो यहाँ पे अगर आप स्टॉक नया लिया है, PNB का अभी लेके रखा है, तो आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। हो सकता है स्टॉक जो है 29 रुपीज़ से लेके 30 रुपीज़ तक पहुंच जाए, उसके बाद एक बार गिरावट भी देखने को मिल सकता है। हम लोगों ने देखा, अगर 1 महीने के अंदर भी बात करते हैं हम लोग, आप देख सकते हैं स्टॉक जो है 33.70 तक पहुंच गया था, उसके बाद यहाँ पर गिरावट देखने को मिला है। और अगर 6 महीने का इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो स्टॉक जो है 37.50 के पास पहुँचने के बाद भी इसमें गिरावट देखने को मिला है। अगर हम लोग 6 महीने से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, स्टॉक 37 के ऊपर या फिर 38 के ऊपर नहीं गया है स्टॉक। तो यहाँ पर अगर हम लोग खरीदारी भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें रिटर्न नहीं मिल सकता है, थोड़ा बहुत एक रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं अभी कुछ दिन से जो है बैंकिंग सेक्टर में जो है अच्छा खासा एक मजबूती दिख रहा है। बैंकिंग में आप कोई भी स्टॉक देख लेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें भी 3.68% का जो है रिटर्न देखने को मिला है। ऐसे बहुत सारे बैंक्स है जहाँ पे अच्छा खासा एक रिटर्न हम लोग को देखने को मिला है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा अभी देख लेते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या चल रहा है, उसमें शायद से हम लोग को अच्छा खासा एक रिटर्न देखने को मिल सकता है आगे। उसके पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, अगर PNB का हम लोग देखते हैं ओपन प्राइस 28 रुपीज़ में स्टॉक ओपन होता, हाई प्राइस दिया है 29 रुपीज़ का एंड लो प्राइस दिया है 27.65 का। तो स्टॉक जो है ओपन होने के बाद 1 रुपये का रिटर्न दिया है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक दिन में जो मुनाफा दिया है, अच्छा खासा हम लोग बोल सकते हैं रिटर्न दिया है, 4.14% का रिटर्न दिया है। और अमाउंट पे बात करेंगे तो 1.15 पैसे का जो रिटर्न दे चुका है। तो स्टॉक जैसे कि अभी हो सकता है 1 से 2 रुपये इसमें रिटर्न बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। तो चलिए, अभी देख लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में, उसमें क्या हो सकता है। यहाँ पे जो है हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर 6 महीने से देखते हैं तो दोस्तों 49 रुपीज़ के आसपास स्टॉक चल रहा था। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो है एक रिटर्न भी दिया था। तो इसके पहले भी हम लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा में जो कुछ वीडियोज़ बनाया था और जो भी टारगेट प्राइस दिया था सब हिट हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे वीडियोज़ जो है हम लोगों ने बनाया था बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में, जितना भी हम लोगों ने टारगेट प्राइस दिया था सब हिट हुआ है।
तो 6 महीने से देखते हैं तो स्टॉक जो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो 52 के आसपास पहुँचा था, उसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिला है। एक महीने का बात करते हैं, स्टॉक 45.95 के आसपास चल रहा था एक महीना पहले, उसके बाद 39.85, देन फिर से जो है स्टॉक में एक यहाँ पे एक तेज़ी हम लोग को बनता हुआ दिखा है। 5 डेज के इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, 5 डेज पहले स्टॉक का प्राइस 42.25 के आसपास चल रहा था और उसके बाद आप देखेंगे तो अच्छा खासा एक मजबूती बनता हुआ दिख रहा है। दोस्तों PNB स्टॉक में भी हम लोगों ने देखा 5 डेज में जो है मतलब स्टॉक में एक तेज़ी बनता हुआ दिखा है। 5 डेज का जो ग्राफ हम लोगों ने देखा थोड़ा समय पहले PNB का, उसमें एक तेज़ी बनता हुआ 5 डेज में से हम लोग को दिखने को मिल रहा है। तो ये दोनों स्टॉक में अगर बात करते हैं, PNB स्टॉक में भी अगर देखेंगे आप 5 डेज से अगर ग्राफ हम लोग देखते हैं तो स्टॉक में एक तेज़ी बनता हुआ दिख रहा है। एंड अगर हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा का बात करते हैं तो इसमें जो एक तेज़ी बनता हुआ दिख रहा है। एंड यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग एक दिन का, तो एक दिन में आप ग्राफ देखेंगे तो ज़बरदस्त जो यहाँ पे एक हम लोग को ग्राफ का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अब देख सकते हैं स्टॉक जो है यहाँ पे ज़बरदस्त एक मजबूती बनता हुआ दिख रहा है और मजबूती के साथ स्टॉक जो है ट्रेड हो रहा है। तो जब भी हम लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक के बारे में रिसर्च किया है तो ज़्यादातर लोग जो है बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक को लेकर फिलहाल अभी बुलिश है। तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी जैसा स्टॉक में हम लोग पैटर्न यहाँ पे देख रहे हैं, ग्राफ में जो पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, उसके चलते आराम से ये स्टॉक में से 2 से 3 रुपया आराम से इसमें रिटर्न मिल सकता है। मतलब स्टॉक जो है 46-47 तक बहुत जल्दी हिट हो सकता है। बट ये जो हम लोगों ने अभी आपको बताया दोस्तों, ये टारगेट प्राइस नहीं है, बिल्कुल भी टारगेट प्राइस नहीं है, क्योंकि ये वीडियो में हम लोग आपको टारगेट प्राइस देने की जो है नहीं दे रहे, सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो हम लोगों को ग्राफ देख के लग रहा है कि ये स्टॉक में तेज़ी आ सकता है। टारगेट प्राइस कुछ भी हम लोग ये वीडियो में नहीं बता रहे आपको। तो अगर आप ये स्टॉक लेते हैं, इसमें रिटर्न मिल सकता है, हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो एक दिन का, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं तो ज़बरदस्त जो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। एक दिन का अगर बात करते हैं दोस्तों, तो एक दिन पहले जो स्टॉक के पास देखेंगे तो स्टॉक ओपन हुआ था 42.50 में, हाई प्राइस दिया है 44.45 का एंड लो प्राइस दिया है 41.95 का। मतलब स्टॉक ओपन होने के बाद भी जो है 2 रुपये के ऊपर इसने रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे एक दिन का रिटर्न भी देखते एक दिन का जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है 4.11% का रिटर्न दिया, 1.75 पैसे का रिटर्न दिया। तो अगर हम लोग PNB का देखते हैं ग्राफ, जैसे कि अभी थोड़ा समय पहले हम लोगों ने देखा स्क्रीन पे, और बैंक ऑफ बड़ौदा का देखते तो दोनों में आप देखेंगे तो 5 डेज से जो है दोनों स्टॉक में एक अच्छा खासा जो है पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे हो सकता है कि इन्वेस्टर्स को जो है रिटर्न मिल जाए। अभी यहाँ पे अमाउंट का ही बात करेंगे तो परसेंटेज में भी देखेंगे तो दोनों में जो है लगभग अच्छा खासा रिटर्न हम लोग को देखने को मिला है, PNB बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों में। तो दोस्तों जब बैंक ऑफ बड़ौदा का हम लोगों ने रिसर्च किया तो ज़्यादातर लोग जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक को लेके बुलिश है, ज़्यादातर लोग जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदने के लिए राय दे रहे हैं। तो इसलिए हम लोग अभी ग्राफ के भी जो अभी आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे जो शेयर कर रहे आपके साथ ग्राफ, इसमें भी हम लोग को वही देखने को मिल रहा है कि स्टॉक में और जो है तेज़ी आ सकता है, तो यहाँ पे और अच्छा खासा एक रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे बात करेंगे अगर बैंकिंग सेक्टर में, जैसे कि अभी आपको थोड़ा समय पहले बताया, बैंकिंग सेक्टर में अच्छा खासा एक मजबूती बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप 4-5 दिन का भी ग्राफ देखते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में जो है जैसे कि SBI वगैरह हो गया एंड उसके बाद एक्सिस बैंक का भी आप देखेंगे तो उसमें भी जो है एक अच्छा खासा मजबूती बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी बात निकल के आ रहा है कि अगर हम लोग खरीदारी करते हैं PNB बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, तो दोनों में से कौन से स्टॉक में, कौन से बैंकिंग स्टॉक में खरीदारी करना चाहिए, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा में से? तो फिलहाल जैसे कि हम लोग को लग रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करके चलना चाहिए। PNB का स्टॉक का प्राइस आप देखेंगे तो जैसे कि हम लोगों ने थोड़ा समय पहले देखा, उसका प्राइस कम है 28 के आसपास है और बैंक ऑफ बड़ौदा का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। बट फिर भी अगर हम लोग दोनों में से PNB स्टॉक खरीदना चाहते हैं या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है खरीद के चलना चाहिए, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में हम लोग को लगता है और तेज़ी इसमें या फिर और मजबूती बनता हुआ दिख सकता है, 2 से 3 रुपये आराम से ये स्टॉक में बनता हुआ दिख सकता है। क्योंकि PNB स्टॉक में जो है अभी आप देखेंगे तो बहुत सारा जो है इसमें ऑलरेडी हम लोग बोल सकते हैं अच्छा खासा खरीदारी हो चुका है, तो स्टॉक में हो सकता है 1 से 1.5 रुपया बढ़ने के बाद एक डाउन ट्रेंड देखने को मिले। बट बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी जैसा स्टॉक 44.35 के आसपास चल रहा है, तो इसके आगे भी स्टॉक में जो है एक बार और मजबूती देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा और जो PNB स्टॉक है दोनों का ग्राफ देखा और फिलहाल जो लगा वो ही हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि बैंक ऑफ बड़ौदा और PNB बैंक, इन दोनों में से किसमें जो है खरीदारी फिलहाल करना चाहिए। अगर हम लोग देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का फंडामेंटली भी अच्छा कंपनी है, अच्छा बैंक
बैंक है फंडामेंटली आप देखेंगे तो उसका रेवेन्यू भी अच्छा खासा है, एंड फंडामेंटली बात करते तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है हम लोग को अच्छा लगता है पीएनबी से। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि पीएनबी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों में से कौन सा बैंक में जो है खरीदारी कर सकते हैं हम लोग, उसके बारे में एक जो है आपके साथ वीडियो शेयर करके इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। आपको बताना चाहेंगे वीडियो कंप्लीट करने से पहले, अगर आप जब भी कोई स्टॉक खरीदते हैं खुद से रिसर्च जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सिर्फ एक हम लोग का ओवरव्यू रहता है। तो वीडियो को यहाँ पे ही कंप्लीट करते हैं। आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है आपको अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल फिनोइश पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।